जिस पुष्प की सुगंध भी नहीं है। और जहर भी बहुत भरा हुआ है, कोई गंध नहीं उसमें, कोई सुगंध नहीं उसमें। केतकी, केवड़ा, चंपा, ये तीनों जब एक सभा में बैठते थे तो इन तीनों के चेहरे पर एक साधारण से पुष्प को देखकर हंसा करते थे, जिस पुष्प का नाम था कनेर का पुष्प, पीला कनेर। मैं आस्था चैनल के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पीला कनेर के पुष्प का दर्शन अवश्य कराएं, जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है। पहले नंबर का कौन सा था, कल कथा में वर्णन किया था, कौन सा? कारीजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर का है कनेर, जो जहर से परिपूर्ण है। पीला कनेर टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं तो उस पर देख रहे होंगे, एलसीडियां जो लगी हुई हैं, एलईडियां, उस पर भी आप लोग आराम से दर्शन कर रहे होंगे। पीला कनेर, केतकी, चंपा, केवड़ा, जो कि पुष्पों में प्रबल पुष्प हैं, बड़े सुगंधित पुष्प हैं, जब पुष्पों की सभा लगती है तो उस पुष्पों की सभा में भी इन तीनों को बड़ी महत्वता दी जाती है, बड़ी महत्वता। मुस्कुरा रहे, हंस रहे। जब व्यक्ति के पास में थोड़ा सा वैभव आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ जाती है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी पद, प्रतिष्ठा, यश बढ़ जाता है, तब वो साधारण व्यक्ति पर थोड़ा ठहाके लगा सकता है, हंस लेता है। पर ये नहीं जानता सारे देवता अच्छी अच्छी वस्तु को भले अपने पास रख लेते होंगे, पर मेरा महादेव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा महादेव उसको अपने पास में रख लेता है, जो कोई काम का, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई महत्वता नहीं। धतूरे की कोई कीमत होती है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। बेलपत्र की कोई कीमत, डमरू की कोई कीमत, त्रिशूल की कोई कीमत, सांप की कोई कीमत, भभूति भस्म की कोई कीमत, मुंडमाला की कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने धक्के मार का निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया धक्के मार दे चलेगा, संसार के लोग धक्के मार दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया की तो आदत है, जो बच्चा मां की गोद में पड़ा रहता है वही माता की छाती पर लात मारता है, ये तो